नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। 5 मई को हर साल विश्व मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है ताकि गर्भावस्था के दौरान महिला का ख्याल रखने वाली के समर्पण को रकमुकाम हासिल हो सके। ये एक ऐसा पेशा है जो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन जिनकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर दिन करीबन 800 महिलाएं और 8000 नवजात शिशु गर्भावस्था, जन्म के दौरान या फिर उसके तुरंत बाद होने वाली दिक्कतों के कारण मर जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाया जा सकता है। महिला के गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मिडवाइफ पेशे के सम्मान में 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस घोषित किया गया है। विश्व मिडवाइफ दिवस छे, मिडवाइफ नर्सिंग स्टाफ माथी एक्स्ट्रा भणीने जे लोको खास डिलिवरीनू ज्ञान मेळवे छे एमने मिडवाइफ्स कहेवाय। अने SHG हॉस्पिटलमां अमने बहु ज गर्व छे के अमारा मिडवाइफ्स बहु ज सारी रीते कामगीरी करी रह्या छे। एने कारणे पेशंट्सने ज नहीं, इवन डॉक्टर्स पण नॉर्मल डिलिवरीमांथी फ्री थई शके छे अने वधारे सीरियस जे दर्दी होय एमां ध्यान आपी शके छे। वी आर वेरी प्राउड ऑफ अवर मिडवाइफ्स। तब आज SSG अस्पताल में भी गायनेक सेंटर में मिडवाइफ की सेवाएं देती स्वास्थ्य कर्मियों का फूलों के जरिए सम्मान किया गया। साथ ही में हैंड सैनिटाइजर भी उन्हें दिए गए थे। गर्भावस्था में महिलाएं और नवजात शिशु की सुरक्षा का जिम्मा संभालती ये है मिडवाइफ, जिनका आज शुक्रिया अदा करने का दिवस है। ये विश्व मिडवाइफ दिवस निमित्ते समग्र तबीबी जगत ने शुभेच्छा पाठू छू। સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ગુજરાતનું નંબર 1 ગાયનેક સેન્ટર આદરણીય ડૉક્ટર ગોખલે સાહેબના વડાપણા હેઠળ ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામગીરી કરી રહ્યું છે અને NPMનો સ્ટાફ આજે વિશ્વ મિડવાઇફ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે। તબીબી અધ્યક્ષના વરદ હસ્તે તેઓનું પુષ્પની પાંગળીથી સન્માન કરવામાં આવ્યું અને સેનિટાઇઝર અર્પણ કરવામાં આવ્યું। એસી હી તાજા તરીન ખબરો સે અપડેટ રહેને આપ હમે યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓર ટ્વિટર પે सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।